भय को पूरा जानना है भय, और जहां से तुम सुनने लगे, तुम्हारे कान में शब्द आने लगे, ये धर्म का रहस्य है, ये जीवन का रहस्य है। मुझसे आगे भी ये बात कही गई, लेकिन तब तुम उतने परिपक्व नहीं थे, तुम्हारे भीतर उतनी परिपक्वता नहीं थी कि ये शब्द पकड़ सके। अगर आज भी तुम्हारे भीतर परिपक्वता नहीं है अनुभव की, तो तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, तुम नहीं पकड़ सकते मेरी बात कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास जीवन के पूरे अनुभव है, तुम मेरी बात पकड़ लोगे कि यह क्या कहने जा रहे हैं। जी कृष्णमूर्ति ऐसा कहते, फियर इज द ज्वेल। चलो, जीवन समझाने के लिए एक बुद्ध पुरुष कह रहा है, फियर इज द ज्वेल, रत्न है जो भय है वो मणि है, रत्न। एक बुद्ध पुरुष कह रहा है, बुद्ध पुरुष। जीवन का रहस्य का केंद्र बता रहा है कि यहां से तुम शुरू करो, क्योंकि सबके अंदर है भय, सबके अंदर है भय का रूप है तुम्हारे भीतर। चिंता जिसे तुम कहते हो, चिंता वो भय का ही रूप है। तुम जिसे हताशा निराशा कहते हो, डिप्रेशन जिसे कहते हो, उसका अर्थ है कि तुम अभी भय को नहीं समझ रहे हो, भय को नहीं जान रहे हो, भय का रूप नहीं समझ रहे हो। जहां भी भय है, जहां भी भय, जहां भी चिंता है, जहां भी भय है, जहां भी चिंता है, ये कोई भी रूप में हो सकती है, कोई भी रूप में, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि आज के जीवन में जो भी चिंता है, जो भी भय है, जो भी हताशा है, जो भी निराशा है, जो भी पीड़ा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, आज से पहले का जो जीवन है उसमें हमने वो पार नहीं किया है। अगर हम उससे हिल रहे हैं तो हिल रहे हैं, क्योंकि जब तुम एक पीड़ा पार करते हो, जब तुम एक पीड़ा पार करते हो, जब तुम एक चिंता है, एक चिंताजनक परिस्थिति है, उसे जब तुम पार करते हो, उसके साथ बहुत कुछ पार हो जाता है, बहुत कुछ पार हो जाता है। जिससे हम कहते हैं निश्चिंतता। दो अनुभवों को ठीक से समझो, एक है भय, भय में हमारे भीतर की शक्ति सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। यहां पर बहुत अद्भुत रहस्य है, बहुत अद्भुत रहस्य, इस पर काम हो सकता है कि जहां भय है वहां हम सिकुड़ जाते हैं, भीतर से शक्ति सिकुड़ जाती है। और ये भी, इसका भी विज्ञान है, इसका विज्ञान है। मरना है, मरना, शरीर का जो मरना हम जिसे कहते हैं, इसमें शरीर की शक्ति सिकुड़ जाती है। उसका कारण है कि अगर आगे की जीवन की यात्रा है, आगे जीवन की यात्रा है, और तुम्हें जन्म लेना है, लेना है, क्योंकि जब तक इच्छा है जन्म है, तुम्हें जन्म लेना है, और कोई बूढ़ा मरता है 90 साल का और वो जन्म लेता है, तो कोई थोड़ा 90 साल का बूढ़ा थोड़ा जन्म लेता है, वो बच्चे के रूप में ही प्रकट होता है, बच्चे के रूप में प्रकट होता है, अनुभव है उसके पास, लेकिन वो बच्चे के रूप में, शरीर बच्चे के रूप में प्रकट होता है उसका शरीर। तो जब मरना है, जो मरना वो सिकुड़ना है, सिकुड़ जाता है, भीतर से शरीर की शक्ति सिकुड़ जाती है। आगे मृत्यु में पूरे रूप से समझा रहा हूं, स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में अभी मैं समझा रहा हूं, एड्स पर किस तरह से काम किया जा सकता है, या कैंसर में किस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन ये बात समझनी जरूरी कि मृत्यु का जो अनुभव है, जहां भय है, तुम भय को बराबर जानना शुरू करो कि भय क्या है। जहां पर भी भय, जहां पर भी भय, पुरानी बातें याद आती है, पुरानी बातें। साधक है जो मुक्ति की ओर जा रहा है, उसे यहां देखना है, ये बात समझनी है कि भूतकाल की बातें कितनी हैरान कर रही है। जो जीवन हम जी चुके वहां से तुम निकल गए,
तो अभी भूतकाल की बात हमें सता रही है कि नहीं? अगर नहीं, मतलब तुमने पूरा किया, 100% दर्शन की शक्ति पैदा होगी तो नहीं सताएगी। और अगर तुमने पूरा पार नहीं किया है तो भूतकाल, देखो नाम ही कैसा दिया गया, भूत, भूत से हम सब डरते, कहीं मार डालेगा तो हमें, देखो किस तरह से भूत खाता है हमें, भूत रात को ही थोड़ा आता है, सुबह सुबह में भी भूत आ जाता है। बीते हुए जीवन के अनुभव पीछा करते, तुम चाहे कितना रॉकेट में बैठ के तुम दौड़ो लेकिन उसकी स्पीड तुम नहीं पहुंच सकते, वो यादें तुम्हारे पीछे पीछे आती है, तुम्हें सताती, जीने नहीं देती, जीवन का स्वाद लेने नहीं देती। अब जो कमा रहा है मनुष्य, लेकिन भूतकाल कहां पूरा हुआ? रहो तुम अबजपतियों के साथ, सबको मौका मिलता है, सबको मौका, जीवन के ऐसे अनूठे रहस्य मैंने देखे। एक व्यक्ति है वो बहुत बड़ा बंगला बनाता है, मैंने ऐसा एक बंगला नहीं, मैंने कॉलोनी देखी, पूरी कॉलोनी के सारे रहते हैं लंदन में, NRI करते हैं, उसकी कॉलोनी बनती है, खुद लंदन में है, लंदन जैसी कॉलोनी वो कच्छ में बनाते, और कौन रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगे, मैं वहां से घूमने जाता, चौकीदार रहता है उसके, मैंने कहा वाह वाह क्या तेरा नसीब है, तू इतना सुंदर, मुझे अच्छा लगे। वो अपने फैमिली के साथ बंगले में रहता है, उसका मालिक है वो तो लंदन में, और देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है, देखो एक बंगला वाला है तो उसे काम करने के लिए तो गरीब लोग को रखना ही पड़ेगा, तो वो गरीब भी मजा लेगा, एसी रूम में भी जाएगा, ऐसा होगा ही होगा। तीसरी आंख से तुम सब कुछ जान सकते हो, क्या क्या जान सकते हो, तो वो गरीब एसी रूम में जाएगा जब उसका मालिक नहीं होगा, एसी चालू करके बैठेगा, वाह मालिक तो अभी दौड़ रहा है, उसे कहां अभी निरांत हुई कि हेलो अब जो कमा लिए मैंने, अब मैं शांति से मेरी पत्नी के साथ रहूं, वो भाग रहा है पत्नी से, पत्नी पति से भाग रही, वो शॉपिंग में जा रही है रोज। और वो मजा ले रहा है, मैंने कहा अच्छा ये प्रकृति है, उसे तो गरीब और वो भी उसका बेटा है, कि ये बेटा ने तो रुपया कमा लिया, अब मेरा ये बेटा है बेचारा, ये कब बैठकर देखेगा टीवी एसी रूम में, तो उसे NRI वाले पास, NRI के पास से वो बंगला बनाता है, फिर रखता है उसे कि तू इसमें रह जा, चल तेरा झोंपड़ा है तू इसमें थोड़ा दिन ठहर जा, हो सकता है कि तेरा मालिक उधर ही शरीर छोड़ दे तो बंगला तेरा। जानना है हमें भय, जब हम भगवा धारण करते, भगवान नहीं कोई भी रूप तुम धारण करो, उसके बाद क्या होगा, बात जानना है, क्या भय? मैं जो तुम्हें विश्वविद्यालय दे रहा हूं उसका नाम, तुम मृत्यु से डर रहे हो, मैं कहता हूं मां मृत्यु, सुबह सुबह मैं शुरू ही यहां से करता हूं, महा मृत्यु महा अमृत, ऐसा भी नहीं कि खाली मृत्यु की बात करता हूं, साथ में ऐसा कुछ भी कि जो अमृत है उसे जानना है। दुख पीड़ा संताप है तो हमारी ना समझिए, भय है तो हमारी ना समझिए, उस आग में पूरा उबलना है, उस आग में ऐसा उबलना है कि भीतर का भय समाप्त होना चाहिए, भीतर का मैं निर्भय हूं वो कोई दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखावा नहीं है, तुम रहो निर्भीक लोगों के साथ। चलो एक व्यक्ति है पैसिफिक महासागर पार करके आता है, तुम रहो उसके साथ, देखो कितनी समझ है जीवन की। एक व्यक्ति है सर्कस में, हम जितनी ऊंचाई पर डरे उस ऊंचाई पर वो आराम से झूला खा रही है, एक लड़की 16 साल की, उसे गिरने का कोई डर नहीं है, वो एक झूले से दूसरे झूले की ओर जाती है, दूसरे, देखो तुम चाइनीज सर्कस, छोटे छोटे लड़के कितने अद्भुत खेल करते हैं, लेकिन तुम रहो उसके साथ, कितनी समझ प्राप्त हुई। वह गया उसके जीवन में से, चलो जो वैसे भी महासागर तर के आता है
तू उसके साथ रह कर देखो। आज तक ऐसा संदेश तो आया नहीं कभी कि जिसे जीवन के रहस्यों को समझना है वो पैसिफिक महासागर को पार करे या माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए, माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चला जाए, उसे जीवन के रहस्य प्राप्त हो गए। ऐसा संभव नहीं। देखो किस तरह से प्रकृति काम करती है, किस तरह से काम करती है। जीवन के रहस्य सत्य तुम देखो, सत्य। चलो बुद्ध महावीर है वो सब छोड़ देते हैं, सब संसार में नहीं रहे, वो निकल गए, घर में नहीं रहे, ये उसका प्रागट्य है, लेकिन प्राप्त किया। साथ में ये भी देखना है, साथ में प्राप्ति देखनी है कि चलो बुद्ध महावीर ने छोड़ दिया सब कुछ, हम ये देखते, हम ये नहीं देखते कि उसने क्या प्राप्त कर लिया। चलो छोड़ा तुम, लेकिन साथ में ये देखना है कि तुमने प्राप्त किया। देखो किस तरह से काम कि बुद्ध महावीर है तो वो छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, लेकिन प्राप्ति है उसके साथ। क्या प्राप्ति है? समझ, ज्ञान प्राप्त हो गया, भीतर का जो प्रकाश है वो प्राप्त हो गया, वह चला गया, वह रहा ही नहीं, वह कब तक है? चलो वह कब तक है? जब तक मन है, मन मतलब इच्छा, और इच्छा का रूप यहां पर है काम वासना, ये इच्छा के साथ संबंधित है, इच्छा का प्रागट्य है, भूख तरस स्वाद यहां पर है इच्छा, इच्छा बंगले में नहीं। जब तुम मरते हो तो तुम ऐसा मत समझना कि बंगले की इच्छा तुम्हारे साथ चलती है, यह मुख्य इच्छा नहीं है। तुम यहां पर कहां हो, तुमने यहां से कितना अनुभव प्राप्त किया, काम वासना, तुम कितने उठे ऊपर, ऊपर उठते हैं। काम वासना का जब तुम एक बार अनुभव लेते हो तब तुम उससे मुक्त होते हो, लेकिन फिर शक्ति वहां आ जाती, फिर काम वासना की इच्छा होती, फिर तुम उसमें जाते हो कृत्य में, फिर ऊपर उठते हो, फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर उठते हो, फिर नीचे जाते हो। इस तरह से भोजन लेते हो तब तृप्ति हो जाती है, सन्यासी हो जाते हैं, सब सन्यासी होते हैं, ऐसा लगता है बस सारा संसार में अब कुछ रहा ही नहीं क्योंकि भोजन मिल गया। लेकिन जब भूख लगती है तब हम फिर पेट में आ जाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक है, भूख लगना ये प्रकृति है, शरीर की प्रकृति। हमें इच्छा देखनी, हमें देखनी है मांग कि मेरी इच्छा कहां पर है, स्वाद में मेरी इच्छा कहां पर, ये इच्छा का मुख्य रूप है। लेकिन यहां पर समाप्ति नहीं, यहां पर समाप्ति नहीं, इससे आगे कुछ है। इच्छा का केंद्र जो है वो है सांस उच्छ्वास। ये अद्भुत रहस्य है, जो सांस उच्छ्वास है ये अद्भुत रहस्य। सांस मतलब जीवन का प्रकट होना, सांस जिसे हम जीवन का प्रकट होना कहते हैं, उसका अर्थ है वहां पर इच्छा जगती है, पता भी नहीं चलता, लेकिन इच्छा की विद्युत जगती है सांस के साथ। उच्छ्वास के साथ इच्छा की मृत्यु होती है, मन मरता है। जब तुम्हें उच्छ्वास बाहर जाती है मन मर जाता है, मन नहीं रह सकता। तुम करके देखो, तुम उच्छ्वास बाहर छोड़ो, फिर तुम कल्पना करना शुरू करो कि मुझे ये करना है, मुझे रुपया कमाना है, इस तरह से विकास करना है, मेरे बिजनेस का ये करना है। तो उच्छ्वास को बाहर रोके रखो और तुम भीतर कल्पना शुरू करो, हो सकती है कि नहीं तुम अनुभव करके देखो। तो इतना सूक्ष्म तल पर इच्छा का काम चलता है कि प्रकट भी होती है इच्छा, सांस के साथ प्रकट हो जाती है, उच्छ्वास के साथ इच्छा की मृत्यु हो जाती है। प्रति सांस और उच्छ्वास के साथ ये बात होती है। इसलिए जो उच्छ्वास की प्रक्रिया है, उच्छ्वास की प्रक्रिया आज के जमाने में सबको समझनी बहुत जरूरी, क्योंकि जो भय है, भय जहां पर भी भय है, मैं तुम्हें एक प्रक्रिया बताता हूं, जहां पर भी तुम्हें लगे बहुत भय आ गया या चिंता आ गई, तुम उच्छ्वास को बाहर छोड़ो। ये प्रक्रिया पर मैं हमेशा तुम्हें याद करवाता रहूंगा। उच्छ्वास की मैं तीन प्रक्रिया दे रहा हूं, कुल चार प्रक्रिया, तीन बंद। उच्छ्वास बाहर छोड़ो, दाढ़ी को टच करो गर्दन के साथ, पहली प्रक्रिया।
दूसरी प्रक्रिया उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, क्षमता अनुसार उच्छ्वास बाहर छोड़े रखो, पेट को अंदर खींचो, पेट को अंदर खींचो, रोके रखो। तीसरी प्रक्रिया उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, सक्यतम तुम्हारी शक्ति है, उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो और मड़मूत्र के स्नायु को ऊपर खींचो। तीसरा बंद। और चौथी प्रक्रिया उच्छ्वास की, जिसपे तुम उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, ये तीन बंद एक साथ लगाओ। जो तुम्हारी दाढ़ी है उसे टच करवाओ गर्दन के साथ, पेट है उसको अंदर सिकुड़ो और मड़मूत्र के स्नायु को ऊपर खींचो। चौथी प्रक्रिया उच्छ्वास की सुबह में करनी है, एक बार सुबह में, एक बार शाम में भी कर सकते हो, तुम नृत्य के बाद भी कर सकते हो, ये प्रक्रिया नृत्य के बाद भी हो सकती है। जो भय है, जो भय, उसका कारण इतना ही है कि जो फिजिकल रूप में, अगर हम भय को देखें फिजिकल रूप में, तो तुम्हारे हार्ट के मसल्स कमजोर है, तुम्हारे पेट के मसल्स कमजोर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो तुम्हारी, मड़मूत्र जो बाहर फेंकती है, उत्सर्जन तंत्र कमजोर है। मैं इतने तक कहता हूं कि जो हिंसा है, हिंसा मनुष्य के जीवन में जो हिंसा है, जो काम कर रहे हैं, जो लोग हिंसा, हिंसक लोगों पर काम कर रहे हैं या उसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे मैं एक बात कहता हूं कि हिंसा कब संभव है, हिंसा, हिंसा में शक्ति कामवासना की शक्ति से भी नीचे जाती है, कामवासना की शक्ति से नीचे जाती है, जिसकी रिप्रोडक्टरी सिस्टम डिफेक्टिव है, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र जिसका डिफेक्टिव है, वो लोग हिंसा में जाते हैं, क्योंकि हिंसा में शक्ति इससे नीचे जाती है। हिंसा कब संभव है मनुष्य के रूप में, हिंसा कब संभव है, क्योंकि इसमें जो शक्ति चाहिए, हिंसा के लिए जो शक्ति चाहिए, वो काम वासना की शक्ति है, और काम वासना की शक्ति को धक्का मारना पड़ता है, अंदर से धक्का मारना पड़ता है, तो उससे नीचे का क्षेत्र चाहिए, उससे ऊपर का नहीं। अगर पेट के क्षेत्र में शक्ति है तो तुम हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा तब संभव है मनुष्य के जीवन में, जो हिंसा है वो तब संभव है कि काम वासना से भी शक्ति नीचे चली जाए, नीचे एक केंद्र है जिसका संबंध हमारे पिछले जीवन के साथ है, उसके अनुभव है उसमें। यहां पर शक्ति जब ठहरती है तब यहां से हम काम वासना की शक्ति को धक्का लगा सकते हैं हिंसा के लिए। ये शक्ति हिंसा के लिए काम आती है, जो जब हम काम वासना के केंद्र से भी नीचे जाए, काम वासना का अनुभव वहां काम नहीं आता, वहां से भी नीचे जाए, और जो हिंसा कर रहे हैं, वो जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उसको बहुत ठीक से इलाज होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रूप में बहुत दरिद्र है, शारीरिक रूप में भी दरिद्र है, बहुत दरिद्र, रोगिष्ट है भीतर से, उसके रिप्रोडक्टरी सिस्टम ठीक नहीं है, सेक्स की जो विद्युत है भीतर, ये सर्जनात्मक शक्ति हो सकती है, सेक्स की शक्ति एटॉमिक एनर्जी जैसा है कि चाहो तो तुम एटम बॉम्ब से मार सकते हो, लोगों को मार सकते हो, और चाहो तो तुम जीवन दे सकते हो एटॉमिक शक्ति से। जिस तरह से बाहर संभव है उसी तरह से भीतर संभव है, कि सेक्स की जो एनर्जी है वो एटॉमिक एनर्जी है, तुम समझो, जिससे हमारा शरीर पैदा होता है, कितनी ताकत होगी सेक्स की एनर्जी में, कितनी ताकत होगी कि जिससे एक शरीर पैदा होता है, ऐसा शरीर कि जिसका तुम कहीं छेड़ा नहीं देख सकते, फिर भी शरीर चलता है, जो सोच सकता है, जो शरीर बैठ सकता है, अपने आप उठ सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, झूम सकता है, ज्ञान की बात कर सकता है, ऐसा शरीर पैदा होता है जिस शक्ति से, वो कैसी शक्ति होगी, उससे नीचे जाती है हिंसा में शक्ति। हिंसा को इस तरह से समझना है, जो हिंसक लोग हैं उसको इस तरह से समझना है, जो समझदार लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, और ये जो काम है, मैं तुम्हें कहता हूं, जैसे कि आज एड्स है, मैं किस लिए एड्स पर इतना जोर दे रहा हूं, या कैंसर है जिससे हम डर रहे हैं, और डरना ही है, किस तरह से डरना है, किस तरह से, डर का मतलब क्या है,
कि जो जीवन है उसका हम बहुत ऊंचा उपयोग कर सकते हैं। हम डर डर के मरेंगे, फिर उठेंगे, फिर डर डर के मरेंगे, फिर उठेंगे, फिर डर डर के मरेंगे। जो कुछ अगर जानना ही है, जानने जैसा है इस जीवन में, तो इसी जीवन में क्या कमी है? समझदार लोगों के लिए यह बात है मेरी, जो समझना चाहते हैं उसे किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम करते जाना है, कि जिसके कारण हम एड्स रोक सकते हैं, जो एड्स फैल रहा है इस पृथ्वी पर हम रोक सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, हम लोगों को इसमें से बचा सकते हैं।